इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, फिर इसको कैसे लिखना है, फिर ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के 11 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये 11 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद मैंने एक सैंडविच करके एक स्टोरी बनाया है, जिसके दम पर मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये 11 के 11 पॉइंट्स 11 सेकंड में आपके लर्न हो जाएंगे। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये चार्ट जरूर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। ये चार्ट ड्रॉ करने के बाद ये रहा आपका आंसर, ए बी सी डी फॉर्म में आप लिखोगे, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग। सबसे आखिरी फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग। तो सारे के सारे मैनेजमेंट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन कौन सा आएगा? प्लानिंग। मतलब बाकी सब फंक्शन का कर्ता धर्ता या मेन फंक्शन प्रिसीड, मतलब सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग। बट प्लानिंग होता क्या है? पहली बात तो जो घटना घट रही है वो एक्चुअल में है, लेकिन उस घटना से पहले तुम सपोजिटली सोचते हो कि तुम 12th के बाद में बीबीए या बीएमएस या बीबीए या बीसीए या बीकॉम कोर्स करोगे। ये एक्चुअल तो नहीं है, ये आज तुमने भविष्य के लिए प्लान किया है। सो प्लानिंग एडवांस में डिसाइड करना, तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करोगे, क्यों करना चाहते हो और कौन करेगा। समझ में आ रहा है? सो प्लानिंग, एक आइडिया बताता हूं। क्या तुमने बिल्डिंग बनने से पहले एक ब्लू कलर का ड्राइंग देखा है? उसको क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट। वो ड्राइंग से पहले तुम विचार करोगे कि एक बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। तुम बोलोगे 7 मंजिले, पर फ्लोर एक फ्लैट होगा, हर एक को दो कार पार्किंग का फैसिलिटी होगा, गार्डन होगा। ये डिस्कशन करने के बाद आर्किटेक्ट ड्रॉ करेगा, उस ड्राइंग को प्लान बोलते हैं। तो प्लानिंग एक प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, और उसका नतीजा प्लान, प्लान नतीजा है। सो राइटिंग फॉर्म में तुम क्या बनाओगे? प्लान। समझ में आ रहा है? अब कंपनी में क्या, बॉश जैसी कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज को, चलो 2 दिन तुम खंडाला लोनावला जाओ, फेब्रुअरी में भेज दिया और बोला कि अप्रैल टू मार्च अगले फाइनेंशियल ईयर का तुम प्लान बना के लेकर आओ, ठीक है? कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो, उसके लिए पहले गोल सेट होगा कि साल में कितना गुड्स बेचना है, उसका कैसे अचीव करोगे। तो एनुअल प्लान कंपनीज अक्सर बनाते हैं, ठीक है? लेकिन एनुअल प्लान कैसे बनाओगे? कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। सो प्लानिंग क्या करता है? अब वो वाली बात है, तुमको 12th में 90% लाना है, वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हुआ। 90% लाने के लिए तुम सितंबर अक्टूबर तक पूरा पढ़ाई कर लोगे, नवंबर से पेपर सॉल्विंग शुरू करोगे, ये तुम्हारा प्लानिंग हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? 90%। सो प्लानिंग क्या करता है? खुद ऑब्जेक्टिव बनाता है और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाता है। समझ में आया? डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। कौन सा ऑर्डोनेल का डेफिनेशन है और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे मैं एक एक करके पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। नंबर वन, प्लानिंग फोकसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताओ। इंडिया का टू व्हीलर मार्केट में साल में 1.5 करोड़ गाड़ियां बिकते हैं। अब उसमें होंडा का शेयर है करीबन 50 लाख। तो होंडा अपना ऑब्जेक्टिव क्या बोलेगा? इस साल हम 55 लाख गाड़ियां बेचने का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव और गोल को मैनेजमेंट में एक साथ माना जाता है, लेकिन दोनों में एक बारीक फर्क ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव हुआ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में पहला गोल होगा 10वीं SSC, दूसरा गोल होगा HSC, तीसरा गोल होगा बीकॉम, मतलब हो गया ना ग्रेजुएशन। सो ग्रेजुएशन ऑब्जेक्टिव के लिए अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ से कश्मीर जाना है तो महाराष्ट्र पहला गोल हुआ, मध्य प्रदेश दूसरा, तीसरा दिल्ली और चौथा कश्मीर।
ठीक है ना। सो छोटे छोटे गोल को जोड़ दो तो बन जाता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैनेजमेंट में गोल और ऑब्जेक्टिव को कई बार एक ही माना जाता है। सो प्लानिंग फोकसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग एक्चुअली खुद ऑब्जेक्टिव बनाता है और ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसके ऑल्टरनेटिव्स बनाता है। दूसरा, प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब एक सीधी बात है, तुमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम बीच में ब्रेक दबाओगे, तुम्हारे पास जीपीएस सिस्टम होता है ना गाड़ी, तुम जब गाड़ी चलाते हो तो जीपीएस सिस्टम बराबर कंट्रोल करता है, बोलता है मूव लेफ्ट मूव राइट। तुमने जो प्लान बनाया है, ऑब्जेक्टिव दे दिया है कार में जीपीएस को, उस तरफ से बनता है। अच्छा, तुम्हारा एयर कंडीशनर और फ्रिज का कंप्रेसर पता है कैसे काम करता है? यदि तुमने आइडियल बॉडी टेम्परेचर 24 डिग्रीज माना जाए, यदि 24 डिग्रीज आए तो कंप्रेसर उसको बंद कर देगा, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को, जैसे ही रूम थोड़ा वार्म हुआ एसी वापस चालू हो जाए। तो कंट्रोल कैसे होता है? प्लानिंग एक प्रकार का कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको यहाँ से मुंबई जाना है और तुमने सोचा कि 15 लीटर पेट्रोल लगेगा। जब तुम मुंबई जा रहे हो तो तुम चेक कर रहे हो कि तुम्हारा प्लानिंग के मुताबिक पेट्रोल बराबर चल रहा है, बराबर स्पीड, बराबर टाइम, क्योंकि तुमने प्लान किया है। आ रहा समझ में? सो प्लानिंग इज बेस्ड, प्लानिंग कंट्रोल का जरिया है। यदि प्लानिंग ही नहीं रहा तो कंट्रोल किस चीज का करोगे? यदि तुमको दिन में महिंद्रा 700 गाड़ियां बनाता है, ठीक है ना, और यदि आज थोड़ा प्रोडक्शन स्लो है तो कंट्रोल रख के चलो, आज थोड़ा ओवर टाइम काम करके बना लेना। तो कंट्रोल का गढ़ क्या है या बेसिस क्या है? प्लानिंग। तीसरा, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। मैनेजमेंट में दो टर्म्स है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ अभी 5G लॉन्च होने वाला है, सितंबर में एक्सपेक्टेड है। अभी स्पेक्ट्रम खरीदा ना रिलायंस ने, एयरटेल ने, तो इसका पेमेंट किसने किया? रिलायंस ने किया, एयरटेल ने किया, कुछ आइडिया ने किया होगा, वोडाफोन आइडिया। तो सोचो, मुकेश अंबानी जो रिलायंस को हेड करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने बोला होगा 5G लॉन्च करना। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसीजन टॉप मेकिंग में लिया जाता है, टॉप लेवल पे बाकी लोग को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि तुम्हारे फादर ने बोला नया घर लेना है, बाकी लोग को मानना पड़ेगा, लेकिन 12th के बाद पापा ने तुमसे पूछा तुम क्या करना चाहते हो, क्या फैसला ले रहे हो, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं कि फैसला टॉप मिडिल और लोअर सब लेवल पे लिया जाता है। सो एक कंपनी में दोनों होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन में जब 5G लॉन्च होगा सितंबर में, डू यू एग्री उसके लिए जो मोबाइल के टॉवर्स होते हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जो नेटवर्क के लाइंस होते हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, छोटे छोटे यदि वायर्स रहते हैं उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोअर लेवल के लोग आएगा, ऑप्टिकल फाइबर्स में कुछ हो सकता है कि जोड़ना पड़ेगा। तो ये सब कौन, मुकेश अंबानी करेंगे क्या, डाउन द लाइन लोग करेंगे? डाउन द लाइन। सो जब तुमने 5G का इम्प्लीमेंटेशन प्लान किया, और इम्प्लीमेंटेशन छोटा नहीं है, एयरटेल ने बोला पूरे इंडिया में 5G नेटवर्क लाने को दिसंबर 2024 हो जाएगा। भाई 6 लाख गांव है इंडिया, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, इतने सारे सिटीज है, तो इस ये पूरे के पूरे 6 लाख गांव में भी पहुंचाना है तो क्या लगेगा? लोअर लेवल लोग का प्लानिंग और लगेगा। सो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोअर लेवल के लोग भी फैसला लेंगे, फैसला के लिए प्लानिंग लगता है। आया समझ में? इंप्रूव्स एफिशिएंसी, तुम्हारा एफिशिएंसी कैसे बढ़ता है? नाउ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, एप्पल के मैक्सिमम फोन्स फॉक्सकॉन बनाता है। वैसे फॉक्सकॉन का नाम सुना नहीं होगा, बट एप्पल का सुना होगा। सो फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, ये तीनों इंडिया में है, ये आईफोन 13 तक इंडिया में बनाते हैं, और आईफोन 14 दिवाली के 2 महीने बाद इंडिया में बनना चालू होगा नवंबर से। तो बोलने का तात्पर्य यह है, फॉक्सकॉन मेन तो चाइना में है, ताइवानीज कंपनी है वो। तो उन्होंने क्या किया, जो लोग काम करते थे उनको रिप्लेस कर दिया बाय रोबोटिक्स। रोबोटिक्स से काम और बारीक और अच्छा होता है। तो 60,000 लोग की नौकरी चली गई, रोबोटिक्स आ गया और काम स्पीड में हुआ। तो इम्प्रूव एफिशिएंसी मतलब तुम जब प्लान करते हो तो उस हिसाब से, अब तुम वॉकिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, तुमको पता है कि तुमको दिन में 5 किलोमीटर चलना है,
आधे घंटे में, तो तुम अपना स्पीड उस हिसाब से एडजस्ट करोगे, एफिशिएंसी। तो तुमने प्लान किया है 20 मिनट के बाद तुम थोड़ा स्लो रहे तो तुम भागोगे ताकि आधे घंटे में। सो एफिशिएंसी बढ़ाता है क्योंकि तुमने प्लानिंग किया, ठीक है। पांचवा, हेल्पफुल इन एक्सपांशन। नाउ डू यू एग्री कि रिलायंस डिजिटल इतने फास्ट एक्सपांड हो रहा है क्योंकि कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा क्या बिका? लैपटॉप्स, कैमरास, स्मार्ट मोबाइल्स। तो लोग भरोसा करने लगे, तो जिस प्रकार से एक्सपांशन कर रहा है, अब इसमें लोग प्लानिंग करते कैसे? ये लोग क्या बोलते हैं कि हम जगह खरीदेंगे नहीं। मैक्सिमम दुकान जो रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स है सबके सब भाड़े पे रहते हैं। भाड़ा कितना होगा? 1 से 2 लाख रुपया, एम्प्लॉय का पगार, इलेक्ट्रिसिटी मिलाकर 5 लाख, और महीने का धंधा 8-10 लाख भी हुआ तो भी 5 लाख का कमाई। तो ये लोग जो इतना फास्ट बोल रहे हैं उसका एक ही कारण है कि ये लोग प्लान कर रहे हैं फटाफट। वही देखो, मैकडोनल्ड धीरे धीरे ओपन कर रहा है, लेकिन डोमिनोज, डोमिनोज ने बहुत फास्ट एक्सपांड किया। उनका प्लानिंग सक्सेसफुल था डोमिनोज का। उनको पता था इंडिया में कोई भी बड़ा पिज्जा का ब्रांड नहीं है। एक सबवे, सबवे तो बाद में आया, सबवे लेकिन बर्गर में, तुम्हारा पिज्जा हट, पिज्जा हट स्लो था, महंगा था। तो डोमिनोज ने फटाफट जो होटल्स खोले या फ्रेंचाइजी खोले, और आज 65-75%, 65-70% मार्केट शेयर डोमिनोज के पास है, और पिज्जा हट धीरे धीरे ओपन किया। तो इन लोगों ने एक्सपांशन बहुत फास्ट किया, किसने? डोमिनोज ने। और मैकडोनल्ड्स आया उसके बाद, अभी सबवे, सबवे भी कम्पीट अच्छा कर रहा है। तो सबवे बोल रहा है हम 250 और स्टोर अगले साल खोलेंगे इंडिया, क्योंकि उन्होंने शेयर मार्केट में लाया, जिसको आईपीओ बोलते हैं, उन्होंने पैसा जमा किया, अब उससे धड़ाधड़ करेंगे। तो ये लोग सब प्लानिंग कर रहे हैं कि इंडिया में बर्गर में कौन है? मैकडोनल्ड्स है, और कौन है? सबवे, एक बर्गर किंग करके, लेकिन मेन कितने हैं? सबवे नहीं, सॉरी, बर्गर किंग। तो दो ही तो मेन प्लेयर्स है, और कहाँ है? तो सबवे नहीं, बर्गर किंग में बोल रहा था। ओके, सो एक्सपेंशन में मदद होता है। छठवा, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या होता है, फैक्ट्री में मशीन्स रहते हैं, तुमने मशीन्स पे काम करना शुरू किया। बड़े बड़े कंपनीज में खुद के जनरेटर्स होते हैं, सडनली लाइट चला गया तो यहाँ पे क्या होगा? जनरेटर चालू होगा बट काम रुकेगा। तो लॉजिक क्या है, तुमने यदि अनसर्टेनिटी और रिस्क, जिंदगी में अनसर्टेनिटी और रिस्क है, लेकिन प्लानिंग किया उतना कम होता है। अभी इफ यू चेक आउट अमेरिका का, जो कुछ साल पहले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में, है ना, कहाँ पर, अबोटाबाद में मिले थे, तो 1 साल पहले से प्लानिंग शुरू किया उस जगह को अटैक करने का। तो हेलीकॉप्टर्स, अच्छा, एक हेलीकॉप्टर को कुछ हुआ तो दूसरा, और एक्चुअल में एक हेलीकॉप्टर दीवार से टकरा के क्रैश हुआ था, कोई मरा नहीं था, लेकिन उनके पास दूसरा बैकअप हेलीकॉप्टर था। और बोलने का तात्पर्य यह है कि सैटेलाइट फोन से वीडियो भी शूट किया होगा उन्होंने। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि अनसर्टेनिटी और रिस्क अवॉइड करने के लिए तुमने प्लानिंग कर लिया। अब तुम लंबे टूर में जा रहे हो, तुम गाड़ी स्टेप नहीं रखोगे एक्स्ट्रा, तुम टायर पंक्चर हुआ उसका रिपेयरिंग किट रखोगे, तुम पेट्रोल टैंक फुल रखोगे, तुम जो भी जरूरत है जिससे प्रॉब्लम हो कैश साथ में रखोगे, डेबिट कार्ड रखोगे, मोबाइल रखोगे यूपीआई का। मतलब तुमने प्लान कर लिया कि रास्ते में क्या हो सकता है, गाड़ी पंक्चर हो सकता है, तो तुमने एक टेम्परेरी किट आजकल मिलता है मार्केट में, किट वो खरीद लिया, और बाय चांस टाइम नहीं है तो स्टेप नहीं एक्स्ट्रा रख दिया, ठीक है। फिर मर्सिडीज बेंज तो गाड़ी में एक्स्ट्रा बैटरी देता है, एक्स्ट्रा बैटरी मतलब तुमको गाड़ी कुछ बैटरी प्रॉब्लम आया तो बैटरी चेंज कर लो, कितना अच्छा। तो तुम प्लानिंग एक प्रकार का अनसर्टेनिटी और रिस्क कम करता है क्योंकि तुमने प्लान किया है। तुम कश्मीर में जाओगे तो तुम स्वेटर सब लेके जाओगे, ठीक है ना, वुलन गारमेंट्स तुम लेके नहीं गए, वहां पे तो ठंडी से कांपना, तुमको पता है वहां पे ठंडी कभी भी कम ज्यादा हो सकता है, तो तुम पहले से तैयारी करके जा रहे हो, तो रिस्क क्या होता है? कम। इसलिए अनसर्टेनिटी और रिस्क हटाने के लिए जब क्लोजअप टूथपेस्ट ये सब लॉन्च करते हैं नए प्रोडक्ट्स, अभी इंडिया में प्लास्टिक के नोट्स आने वाले हैं, तो ये लोग 10 रुपए के नोट बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, ऐसे गिने चुने जगह पे
बोलते हैं ना लॉन्च करके देखते हैं क्या रिस्पांस मिल रहा है। सक्सेसफुल हुआ तो फिर पूरे इंडिया में लॉन्च करते हैं, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो एक दो जगह ही प्रॉब्लम हो गया ना पूरे देश में थोड़ी। इसलिए आजकल पूरे कंपनी एक साथ लॉन्च नहीं करती है छोटे मोटे प्रोडक्ट्स, छोटा एक जगह लॉन्च करेंगे देखेगी क्या आ रहा है और फिर पूरे देश में लॉन्च। फिर एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अभी तुम देखो जब अभी आईफोन 14 आ रहा है ठीक है, इससे पहले इफ यू चेक आउट आईफोन 12 13 कैमरा में करेक्ट लगातार इंप्रूवमेंट्स किए उन्होंने। अच्छा लोगों ने क्या बोला, वायर चार्जिंग में प्रॉब्लम आता है तो उन्होंने क्या लाया, वायरलेस चार्जिंग लाया। और बोलते ना आईफोन 14 में कुछ ना कुछ नए फीचर्स होंगे, वो आता है ना चाबी घूम क्या तुम्हारा क्या बोलते उसको, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तो कान के लिए, वो चाबी घूमने का एक है ना उनके पास सेंसर, वो उनको पता था कि लोग चाबी मिसप्लेस कर देते हैं। तो नया नया इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो आ रहा है ये क्यों ला रहे हैं, बिकॉज लोगों को नीड है आजकल। अच्छा एक और है, एलेक्सा इससे ज्यादा सक्सेसफुल है, एप्पल में क्या है सिरी, सीरीज सिरी से ज्यादा भी एलेक्सा चल रहा है। उनको पता चल गया होगा कि सिरी से ज्यादा एलेक्सा, क्योंकि सिरी लिमिटेड काम कर सकता है, कॉल करो अलार्म लगाओ, लेकिन एलेक्सा घर के ट्यूबलाइट ये सब चालू कर सकता है। तो अभी तो जो आईफोन 14 में इंडिया में एक डॉक्टर को जैसे हार्ट अटैक से पहले वॉर्न होता है ना, तो उससे वॉर्न कर दिया था, और बॉडी टेम्परेचर भी अभी वो रीड करेगा ऐसा बोल रहे हैं। सो ये तो प्लानिंग है ना, एक मोबाइल या एक घड़ी में ये लोग सबने इतना सब फैसिलिटीज दिया है और सब इंटरकनेक्टेड है ना, तुम लिंक कर सकते हो सबको। तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी प्लानिंग प्रोवाइड्स मोटिवेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक कार डील वासन टोयोटा ले लो, तुमको बेचना है इनोवा क्रिस्टा, उसका 2.4G बेसिक मॉडल है, 2.4V मिडिल मॉडल है, और 2.4Z सबसे में कॉस्टली या हाँ फुल फुल फुली लोडेड मॉडल है, आई थिंक डीजल है, और पेट्रोल इज 2.8 सीरीज में। तो तुमने सेल्समैन को बोला कि इस महीने तुझे 3Z मॉडल बेचने, 5V मॉडल बेचना है, 2.4V, और 10 2.4G बेचना, तूने 15 बेचा ठीक है, तो तेरे को फ्री ट्रिप टू में भी गोवा। तो मोटिवेशन आ गया एम्प्लॉय को, वो फटाफट प्लान करना शुरू हो जाएगा कि हर 2 दिन में एक गाड़ी बेचना है, दिवाली भी नजदीक है। लेकिन श्राद्ध पक्ष आएगा, श्राद्ध पक्ष गणपति के बाद आता है ना, क्या इसके बाद आता है, गणपति के बाद आता है, हाँ तो श्राद्ध पक्ष से पहले, श्राद्ध पक्ष तो सितंबर में आएगा, अभी अगस्त है, अच्छा टाइम है। सो एक प्रकार का मोटिवेशन आता है, तुमने सामने वाले को गोल दे दिया और प्लानिंग दे दिया कि भाई तेरे को इतना गाड़ी बेचना है, और अब तू चाहिए तो मार्केटिंग तेरे को जैसे करना है वैसे कर। तो प्लानिंग एक बार हो गया उसका तो मोटिवेशन आता है, गाइड्स डिसीजन मेकिंग। अभी मैं इसका ले लूं, जब फॉक्सकॉन ने पाया कि उनका जो प्लानिंग था आईफोन 13 प्रो मैक्स इंडिया में नहीं बनता, 11 12 13 इंडिया में बनता है, मेन तो ये चाइना में बनता है, वियतनाम में अमेरिका के कोई पॉलिटिशियन गए थे तो चाइना नाराज हो गया था ना, अभी जो प्रॉब्लम हुआ था चाइना और अमेरिका के संबंध थोड़े खराब हो गए थे। तो एप्पल अमेरिकन कंपनी है, यदि चाइना नाराज हो गया या कोविड के वजह से उन्होंने लॉकडाउन में लेकर आया, तो एप्पल के फोन्स बिकेंगे कैसे। 14 तो तुरंत बेचना है ना, 7 तारीख को वो लोग ऑफिशियली मीटिंग लेंगे या प्रेजेंटेशन करेंगे, 16 17 से मिलना शुरू भी हो जाएगा। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक दिवाली में, दिवाली के आसपास नवंबर में हम आईफोन 14 इंडिया में भी बनाएंगे। इसका मतलब इन्होंने जो फैसला लिया डिसीजन मेकिंग, चाइना में प्रॉब्लम होता है तो इंडिया से मोबाइल बिकेंगे। बॉश कंपनी जो पंप्स बनाता है वो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आया तो चाइना से भी एक्सपोर्ट होता है। बॉश के पास 2 जगह है, एप्पल पूरा डिपेंडेंट था चाइना में, लेकिन कोविड के बाद उनको पता चल गया कि एक देश पर डिपेंड करना रिस्की है, तो इसलिए इंडिया में बनना शुरू हो गया। तो अभी 14 का तो प्लान नहीं था, लेकिन अभी सडनली उन्होंने बोला हम दिवाली के आसपास इंडिया में भी बनाएंगे। प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। एक सीधी बात है, प्लानिंग एक तुमको डायरेक्शन देता है, तुमको कहाँ जाना है ठीक है ना। क्या होता है, आईबीएम कंपनी का नाम सुना है, अच्छा एप्पल ही ले लो, एप्पल पहले क्या बनाता था,
कंप्यूटर्स मैकिंटोश जो था, लेकिन जब समय बदला तो उन्होंने आईपॉड लाया। उनका सबसे बड़ा मार्केटिंग टेक्निक क्या था कि अपने पॉकेट में 1000 गाने। आईपॉड बहुत फेमस हुआ, लेकिन जब उन्होंने पाया कि दुनिया बदल रहा है, उस समय एप्पल कंप्यूटर्स था, अभी नाम चेंज कर दिया, अभी एप्पल INC कर दिया, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड। तो प्लानिंग, उनको एक डायरेक्शन मिला कि हम मोबाइल बेचेंगे। तो और फिर आईपैड आया, आईपॉड के बाद आईपैड और ये सब आया ना। फिर आई थिंक 2006 के आसपास या 4 के आसपास हमारा मोबाइल लॉन्च किया हम लोगों ने आईफोन। तो कंपनी का पूरा डायरेक्शन ही बदल गया, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बदलते हुए देखा। उन्होंने देखा कि दुनिया का झुकाव मोबाइल की तरफ है, और एप्पल कभी भी मोबाइल में नहीं थी, आईफोन से पहले कंप्यूटर और आईपॉड में थी। तो उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया प्लानिंग करके कि हम बना सकते हैं, और उसके बाद आज के तारीख में वर्ल्ड का सबसे नामी कंपनी एप्पल ही बन गया। हेल्थ कोऑर्डिनेशन, अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोजिटली आईफोन को, इनको एक iPhone 6 1 करोड़ हैंडसेट बिके थे उनके 2 दिन में ऑर्डर। iPhone 14 7 तारीख को लॉन्च होगा तो वर्ल्ड वाइड 50 लाख का तो ऑर्डर मिलेगा उनको, बराबर है? अभी इन लोग को अंदाजा होगा, लेकिन 50 लाख सेल्स, 50 लाख सेल्स मैनेजर बोलता है कि भाई 50 लाख आईफोन बिकेगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। प्रोडक्शन वाला बोलेगा हाँ हम 50 लाख बनाएंगे, लेकिन रॉ मटेरियल परचेज वाले को बोलेगा तू रॉ मटेरियल खरीद, परचेज वाला बोलेगा खरीदेंगे तो पैसा पैसा अकाउंट्स वाला देगा। अब प्रोडक्शन वाला बोलेगा हमको आदमी लगते काम को, HR मैनेजर लगेगा। समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेशन कैसे, शुरुआत किससे होगा? सेल्स है, सेल्स वाला बोलेगा 50 लाख बिक सकता है, लेकिन प्रोडक्शन वाले को बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए परचेस करना पड़ेगा, HR वाला लोग देगा बनाने के लिए, और ये सबको पेमेंट कौन करेगा? अकाउंट्स। सो कोऑर्डिनेशन हुआ, अलग अलग डिपार्टमेंट का प्लानिंग से ही तो कोऑर्डिनेशन होगा। अब ये स्टोरी लर्न करने के लिए मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मैंने एक स्टोरी बनाया सैंडविच। अभी तुम क्या करते हो, तुम सैंडविच प्लान करते हो कि मैं ऑब्जेक्टिव बनाते हो कि मैं सैंडविच बनाऊं, ठीक है? पहला तुमने क्या बनाया ऑब्जेक्टिव? सैंडविच बनाना, तो सैंडविच बनाने का तुम्हारा प्लान। जैसे सैंडविच बनाया तुमने 2 ब्रेड लिए। अब 2 ब्रेड को, याद है सैंडविच को कॉर्नर से काटते हैं, अच्छा कंट्रोल और टेस्ट अच्छा है, कंट्रोल के लिए तुमने ब्रेड का कॉर्नर काट दिया, सिर्फ बेस रखा, आ गया बेसिस ऑफ कंट्रोल। पहला क्या है ऑब्जेक्टिव? सैंडविच बनाना। दूसरा, कंट्रोल के लिए साइड के जो कॉर्नर से तुमने काट दिए, ठीक है, बेस अच्छा रहे। अब तुमने क्या किया, सैंडविच के सेंटर में बटर लगाया, ये सेंटर में तुमने बटर लगाया, सेंट्रल मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, समझ में आया? सेंट्रल में बटर लगाया, क्यों? बटर का तो मेन टेस्ट है ना, उससे एफिशिएंसी ऑफ टेस्ट बढ़ता है। पॉइंट नंबर वन क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव? सैंडविच बनाना। कंट्रोल के लिए साइड में तुमने कटिंग किया, फिर सेंटर में बटर लगाया ताकि टेस्ट की एफिशिएंसी हो। अब तुमने हरी चटनी तो मैंने ना पूरा सैंडविच जो ब्रेड है उसमें हरी चटनी को एक्सपांड कर दिया, लेकिन चाकू से करते ना, लेकिन तुमने क्या किया, अनसर्टेनिटी और रिस्क, चाकू से हाथ कट सकता है, अनसर्टेनिटी और रिस्क ना हो इसलिए तुमने किसका इस्तेमाल किया, बटर नाइफ का इस्तेमाल किया, अनसर्टेनिटी और रिस्क। अब इसके ऊपर क्या, काकड़ी टमाटर सब काटना होता है ना, तो तुमने क्या किया, इनोवेशन और क्रिएटिव तरीके से काकड़ी काटा। देखो काकड़ी कैसे कट सकता है, गोल छोटे छोटे, स्ट्रेट ट्रायंगल रेक्टेंगल, है ना, सर्कल, मेन तो सर्कल ही लगता है। अब पॉइंट रिवाइज करो, पहला क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, क्या है सैंडविच बनाना। तो तुमने क्या किया, कंट्रोल के लिए साइड के जो चीज है वो काट दिया, ठीक है, और बीच के सेंटर में क्या लगाया, बटर लगाया ताकि टेस्ट की एफिशिएंसी बढ़े, और पूरे ब्रेड में चट्टी का एक्सपेंशन कर दिया। रिस्क कम करने के लिए तुमने बटर नाइफ का यूज किया और ककड़ी को इनोवेशन तरीके से काटा। अब तुम तैयार हो, अब तुमने तुमको तुमने मोटिवेशन आ गया, तुमने सब अलग अलग वेजिटेबल्स काट दिए, प्याज शिमला मिर्च, है ना, तुमने मोटिवेशन आ गया काटने का। अब तुमने डिसीजन मेकिंग किया कि वेज सैंडविच को टोस्ट करेंगे, तुमने क्या डिसीजन लिया, टोस्ट करेंगे। तो तुमने जो डायरेक्शन है, बोलते ना सामने से 2 ब्रेड डालते ना, डायरेक्शन टोस्टर के अंदर डाला, और फिर तुमने जैसे डाला बन गया, और सैंडविच के कोऑर्डिनेशन के लिए ऊपर से वापस चटनी और टोमेटो सॉस डाल के कोऑर्डिनेशन कर दिया। अब वापस एक बार रिवाइज करें, पहला पॉइंट क्या है, तुमने
तुमको क्या बनाना था, ऑब्जेक्टिव सैंडविच का था, फिर कंट्रोल तुमने साइड से कटिंग कर दिया, फिर सेंट्रल में बटर लगाया ताकि टेस्ट का एफिशिएंसी बढ़े, चटनी का एक्सपेंशन कर दिया, उसके बाद अनसर्टेनिटी और रिस्क के लिए बटर नाइफ इस्तेमाल किया, इनोवेशन और क्रिएटिव तरीके से ककड़ी को काटा, अब तुम मोटिवेट हो गए, सारे सब्जी दूसरे काट दिए, डिसीजन मेकिंग लिया, टोस्ट बनाएंगे, टोस्ट में ब्रेड का डायरेक्शन अंदर डाल दिया, और फिर कोऑर्डिनेशन के लिए चटनी और केचप का तुमने मिक्स करके बना के रख दिया। अब बिना देखे 11 पॉइंट देख के निकालो, देखो स्टोरी की मदद से कितने पॉइंट्स याद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी वीडियोस देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसका क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।